स्पीशीज़ लाइक बैक्टीरियल बैक्टीरिया फंजाई एंड एक्सेट्रा. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द साइकिलिंग ऑफ द, जिस तरह नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, इनकी साइकिलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसकी है. सेकेंड इज़ मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, हमारी एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प. एज वी नो दैट प्लांट स्पीशीज प्योरीफाई द एयर एंड रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर बाय द कंपोजिशन और द गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स प्योरीफाई द एयर. थर्ड इज़ मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लाइक जो वेट लैंड है, इकोसिस्टम है, जैसे मार्शेज हैं, दे एब्जॉर्ब द मार्शेज एब्जॉर्ब द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उनको उनके थ्रू वो वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और क्लीन करते हैं. थर्ड इज़ फोर्थ इज़ द पेस्ट कंट्रोल. पेस्ट जो है वो पेस्टिसाइड से वर्ड निकला है. पेस्ट वो कीड़े होते हैं या वो जो फसलों को लग जाते हैं, जो क्रॉप्स को लग जाते हैं. तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई, मींस दैट अराउंड 99% ऑफ पोटेंशियल क्रॉप पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय अ वैरायटी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई. सो पेस्ट कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी, मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी. नेक्स्ट इज़ पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन. पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम वन मेल पार्ट ऑफ द प्लांट टू अ फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज पोलिनेशन एंड दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. सो मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स रिलाई ऑन द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस एनिमल्स स्पीशीज लाइक बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, उनके मूवमेंट से, बर्ड्स की मूवमेंट से जो है उन्हें पोलिनेशन में हेल्प होती है. And many other human beings, human food crops depends upon the process of natural pollination. The last one is provision of food and medicine. Biodiversity provides the majority of our foodstuff and as we know that plants से हम food लेते हैं, उन animals से हम food लेते हैं, और animals और plants से हमें जो है वो plant से हम different medicines जो हैं वो बना सकते. Shown in the diagram, आप देख रहे हैं इंसेक्ट्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, प्रोक्रियोट्स हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं. इनको हम आगे एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ेंगे. द 3.2 इज एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्यों की गई, क्या ज़रूरत पड़ी और किस तरह से की गई. द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ दैट टू डिटर्मिन, हमने एक्चुअली जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज थी ना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हमने डिटर्मिन करना था. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज़ टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उस के मुताबिक उनके अरेंजमेंट. थर्ड इज़ कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें उन ऑर्गेनिजम्स को. एंड फोर्थ इज़ कि उनके दरमियान का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कि उनके जो